चलिए जय हिंद सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सभी को क्लियर आवाज आ रही है? हाँ चलिए। जय हिंद दीपक, योगेश, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी को आवाज आ रही है, और साथ में अपने चैनल की लिंक जो है सभी को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास जो है चालू हो चुकी है। आज हम जो है 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2 बजे वाले, उसके पेपर की चर्चा करेंगे, है ना। आज के पेपर में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो सभी लोग एक बार चैनल की लिंक को शेयर कर दो। साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, तो हम चर्चा चालू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न की चर्चा करेंगे, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी को क्वालिटी क्लियर है आज। क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कोशिश करिए थोड़ी सी कि आपको जो है क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार आए। फर्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने जो घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जिसको हम JEE बोलते हैं, और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा जिसको हम NEET बोलते हैं, ये निम्न में से किसके द्वारा की जाए। मतलब ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है कि भैया ये जो 2 एग्जाम है ये किसके द्वारा जो है कराई जाए। तो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर है भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र जिसको ICSE बोला जाता है। सेकेंड है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। अगला है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, और अगला हमारे सामने है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। तो आप सभी को पता होगा कि जो नेट की जो एग्ज़ाम होती है NEET की, है ना, ये एग्ज़ाम किसके द्वारा कराई जाती है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का है, अब नहीं आने का, इसको आने का जो है चांस बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन कोई दिक्कत। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, जय हिंद सभी को। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसको जो एग्जाम को कराती है वो कराती है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, ठीक है। NTA इसको कराती है, और ये जो NTA है इसकी स्थापना सरकार ने 2017 में ही करी, याद रखिए। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसकी स्थापना सरकार ने 2017 में करी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि भैया केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसके मंत्री जी जो है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिए आप, है ना। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है रमेश, है ना, पोखरियाल निशंक जो है इसके मंत्री है, याद रखिए रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मंत्रालय से जो है प्रश्न बन सकते हैं, मंत्रिमंडल आपको पूरा याद करना है, ठीक है। एक बार सभी लोग जो है चैनल की लिंक को शेयर कर दे ताकि सभी लोगों को जो है क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो सभी लोग, तो जैसे ही क्लास चालू हो और आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भैया तुमकुर, एक तुमकुर जिले हैं जिसको सूखा प्रभावित या पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल और जो है पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में। मतलब आपसे पूछा गया कि भैया तुमकुर जिले का जो सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र है वो किस जिले के किस राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा, ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है कर्नाटक, और ऑप्शन फोर्थ है तेलंगाना। कोशिश करें, हालांकि ये जो है हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बन सकता है ना। ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से सब्जेक्ट का है। करंट अफेयर्स के प्रश्न इस तरीके से बनते हैं। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में जो है ये इसका उद्घाटन हुआ है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम आ जाए तो भैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसव राव बोमई, ठीक है। कई बार प्रश्न बना है बसव राव बोमई। आप सभी कमेंट करके बताइए कि कर्नाटक के जो है राज्यपाल का नाम क्या है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने आपको CM का नाम बता दिया है बसवराव बोमई, और वहाँ की राजधानी जो है बेंगलुरु है, ठीक है। तो राज्यपाल का नाम आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगले में अगला प्रश्न बताता हूँ, तब तक आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भैया निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी से आया हुआ प्रश्न है ना, तो राजनीति से पूछा गया प्रश्न है, जिसके हम आगे MPGK वाली क्लास में, अभी शाम को हमने इसको पढ़ा नहीं है,
आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं ना, आगे पढ़ेंगे पॉलिटी जब पढ़ेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पर भगवत राव मंडलोई, ऑप्शन थर्ड है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा और ऑप्शन फोर्थ है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो सभी लोग जो है इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। तीसरे मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर पूछा है मध्य प्रदेश के, पहले दूसरे और किसी का नहीं पूछा, यहाँ पर तीसरा पूछा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग पूरी क्लास अटेंड करें। जो आपके दोस्त लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझाएं इस चीज़ का महत्व कि वैकेंसी जो है अगले मंथ में बिल्कुल आ जाएगी। इसके अलावा कांस्टेबल की भी इन्फॉर्मेशन है, कांस्टेबल भी आने वाली है, रेलवे में लगभग 2.5 लाख के आसपास पद अभी आने वाले हैं, है ना। तो सभी लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें ताकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कैलाश नाथ काटजू, है ना। कैलाश नाथ काटजू जो है ये मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री हुए हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि भैया मध्य प्रदेश के प्रथम कौन है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम है रविशंकर शुक्ल, है ना। याद रखिए, रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम है। ये प्रश्न आने का चांस खैर ज़्यादा रहता है ना। रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के पहले सीएम है। वर्तमान की अगर आप बात करें तो आप सभी जानते हो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान है, और अगर राज्यपाल की बात आ जाए तो हमारे राज्यपाल जो है वो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है ना। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है हमारे वर्तमान राज्यपाल है। तो आप सभी जो है याद रखिएगा कि भैया हमारे वर्तमान राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रथम मुख्यमंत्री श्री जो है पंडित रविशंकर शुक्ल। आप सभी ने अभी तक जो है कर्नाटक के राज्यपाल का नाम कमेंट करके नहीं बताया है, तो समय निकाल के कर्नाटक के राज्यपाल का नाम भी आप बता दें, या अगर आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि भैया घूमर किस राज्य का राज्य पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है, जो बहुत चर्चा में रहता है। आप सभी जानते हो घूमर, आप में से हो सकता है किसी ने किया भी हो ये वाला डांस, तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। ऑप्शन फर्स्ट है राजस्थान, ऑप्शन सेकेंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है असम और ऑप्शन फोर्थ है पंजाब। तो सभी लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि भैया जो घूमर है वो किस राज्य का पारिवारिक सामाजिक लोक नृत्य है। शैलेंद्र ऑप्शन फर्स्ट बता रहा है, बहुत बढ़िया। नगीना ऑप्शन फर्स्ट, इसके अलावा संदीप कछवा ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राजस्थान, है ना। ऑप्शन फर्स्ट है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि भैया जो घूमर जो डांस है वो राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का जो है पारिवारिक लोक नृत्य है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत है। आप सब जानते हो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के सीएम है। दूसरी बात भैया, राजस्थान जो है इसकी राजधानी जो है जयपुर है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल का अगर आपसे नाम पूछ ले तो राजस्थान के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। याद रखिएगा, कलराज मिश्र जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल है। और श्री थावरचंद गहलोत जो है, बिल्कुल थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल है। ठीक है, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भैया निम्नलिखित में से जो है किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया। एक डिपार्टमेंट है जिसने जागो ग्राहक जागो नाम का जो है अभियान चलाया है। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोला जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकेंड है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर वायदा बाजार और आयोग फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन। सभी लोग कोशिश करें कि इसका सही जवाब, साथ में जो लोग क्लास नहीं आए हैं उन सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दें कि भैया लोग क्लास से जुड़ जाए ताकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आए, है ना। ये जो समय है हमारे लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है कि हम इसी साल जो है जॉब ले लें, क्योंकि इसके बाद आपको भी पता है कि भैया हर साल कंपटीशन कितना बढ़ रहा है,
इसलिए बिल्कुल भी समझदारी ना दिखाएं और जो है समय निकाल कर आप पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, वायदा बाजार आयोग और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। वायदा बाजार आयोग और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है इसने जागो ग्राहक जागो नाम का जो है एक अभियान चलाया है, ठीक है, जो ग्राहकों के लिए भैया ग्राहकों की जागरूकता के लिए ये जो अभियान है। चलो अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को इसका जवाब याद आना चाहिए। हालांकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है पर फिर भी आप कोशिश करो कि इसका सही जवाब आप दे सको कि भैया भारतीय सामान्य जो है चुनाव जो है किस वर्ष आयोजित हुए थे, मतलब भारत में जो आम चुनाव है वो किन समय हुए थे, भारत में जो आम चुनाव है वो कब जो है आयोजित हुए थे। ऑप्शन फर्स्ट है 1952-53, ऑप्शन सेकेंड है 1951-52, ऑप्शन थर्ड है 1950-51 और ऑप्शन फोर्थ है 1950-52। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया शैलेंद्र ऑप्शन सेकेंड, नगीना ऑप्शन थर्ड, बहुत बढ़िया संदीप ऑप्शन फर्स्ट, प्रीति ऑप्शन सेकेंड। चलिए सभी लोग जवाब अवश्य रूप से दें, चाहे आपको जवाब आता है या नहीं आता है ना, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी और धीरे धीरे आपकी जो है प्रैक्टिस जो है आपकी आदत में बदलती जाएगी और आपको जो है चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि भैया हमें तो याद ही नहीं है, है ना। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, है ना, 1951 भारत में जो है, सॉरी 51-52 में जो है भारत में आम चुनाव हुए थे जिसमें पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है नियुक्त हुए थे और जो है उस समय जो है प्रथम लोकसभा वो थी। और साथ में आपको बता दूं भैया लोकसभा में 545 सीटें होती है ना, याद रखिएगा। दूसरी बात कभी आ जाए कि वर्तमान लोकसभा का नंबर कौन सा है, जो अभी वर्तमान में लोकसभा चल रही है तो 17वें नंबर की लोकसभा अभी चल रही है जिसके प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में 17वें नंबर की जो है लोकसभा चल रही है और प्रथम लोकसभा थी जो 51-52 वाली, ठीक है। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा जो है भूगोल से आया है। चलिए, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर जो है भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, मतलब सिरोंज क्षेत्र है वो भूकंप के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र फोर्थ, थर्ड है क्षेत्र सेकंड और क्षेत्र थर्ड, है ना। ये वाला जो भूगोल का ये वाला टॉपिक अभी हमारा हुआ नहीं है पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, क्षेत्र सेकंड, है ना। जो मध्य प्रदेश का सिरोंज शहर है वो भूकंपीय क्षेत्र के सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप सभी को अगर पता हो तो आप बता सकते हो कि भैया जो भूकंप है ना, भूकंप जो है इसका केंद्र क्या कहलाता है। कई बार ये प्रश्न बना है कि भूकंप का केंद्र या सेंटर पॉइंट होता है क्या। अभिषेक जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, है ना, 9 बजे से क्लास रहती है, ज्वाइन करा कर 9 बजे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, सभी लोग भूकंप के केंद्र का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं आगे बता दूंगा अगर नहीं आते। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहते हैं ये व्यक्ति, नाम है जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। बहुत चर्चा में रहते भैया ये तरुण सागर जी, ठीक है, तो कौन से जिले से है इनका संबंध। ऑप्शन फर्स्ट है देवास, ऑप्शन सेकेंड है मुरैना, ऑप्शन थर्ड है दमोह और ऑप्शन फोर्थ है मालवा। अगर सभी लोग कमेंट करके बताएं तरुण सागर का जन्म स्थान कौन सा जिला था, कोशिश करें सभी लोग। चैनल की लिंक सभी को शेयर कर देना। और एक बार सभी जो है लाइक जरूर कर दे भैया क्लास को, है ना, वीडियो की क्लास को जो है इसको लाइक जरूर कर दे आप। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तरुण सागर महाराज जो है एक जैन साधु थे, बहुत फेमस जैन साधु हुआ करते थे, है ना, इनकी आवाज़ भी बड़ी खतरनाक थी, बहुत क्लियर क्लियर और सीधे सीधे बिल्कुल जवाब दिया करते थे ये। आपको कभी समय मिले तो आप एक बार इनको गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करके इनकी आवाज़ ज़रूर सुन लें क्योंकि बहुत ही अच्छे बोलते थे ये तरुण सागर, बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति थे, ठीक है, तो एक बार इनको भी ज़रूर आप सर्च कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पता करना है तो एक बार उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें निकालना पड़ता है,
कि भैया कौन थे तरुण सागर महाराज, क्या क्या करते थे, किस तरीके की चीज़ें थी, है ना। अच्छा चलो आप सभी कमेंट करके एक जवाब बताओ मुझे कि भैया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करते थे। क्वेश्चन जरूर आप बता सकते हो कमेंट करके कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। और भूकंप का जो सेंटर होता है उसको हाइपो सेंटर या इपी सेंटर कहा जाता है ना, याद रखिएगा आप सभी, भूकंप का जो सेंटर है उसको इपी सेंटर। क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने कि भारत में निजीकरण किया गया भारत का पहला रेलवे स्टेशन, है ना, भारत का एक पहला रेलवे स्टेशन जिसको निजी कर दिया है सरकार द्वारा, प्राइवेटाइजेशन उसका हो चुका है, तो ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है इटारसी, ऑप्शन सेकंड है गणेशगंज, ऑप्शन थर्ड है हबीबगंज और ऑप्शन फोर्थ है खजुराहो। सभी लोग कमेंट करके बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेलवे स्टेशन, कई बार इसका प्रश्न बना है। सेलेंद ऑप्शन थर्ड बता रहा है, बहुत बढ़िया। योगेश कुलमिया ऑप्शन सेकेंड, संदीप ऑप्शन थर्ड, बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं। पायल पाटीदार, ऋषभ देव, नहीं पायल मैं वास्तविक संस्थापक पूछ रहा हूँ, है ना, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि भैया संस्थापक कौन है, वो प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभ देव, आप वास्तविक संस्थापक कमेंट करके बताओ। चलिए नगीना ऑप्शन फर्स्ट, बहुत बढ़िया। प्रीति ऑप्शन थर्ड, चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है भारत का पहला निजीकरण किया गया रेलवे स्टेशन है। दूसरी बात, इसका वर्तमान नाम जो है अभी इसका नाम बदल दिया गया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम में बनने का 99% चांस है। रानी कमलावती जो है रेलवे स्टेशन इसका नया नाम रख दिया है जो कि भोपाल के अंदर है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, कमलावती स्टेशन इसका नया नाम कर दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जो कि भोपाल में स्थित है। और एक बात और पते कि मैं आपको बता दूं, इसके लिए प्रश्न बन सकता है कि भैया भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको ISO प्रमाण पत्र मिला है, है ना, ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, निजीकरण पहला यही है रानी कमलापति, दूसरी बात भैया इसका नाम नया कमलापति हो गया है, पहले का हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, तीसरी बात ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित भारत का पहला रेलवे स्टेशन है ये। चलिए अगला प्रश्न, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दिए भैया क्वालिटी तो आज बढ़िया है कि थोड़ा सुधार आया कि नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने कि भैया मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है, है ना, जापानी औद्योगिक टाउनशिप। ऑप्शन फर्स्ट है पीथमपुर, ऑप्शन सेकंड है सिंगरौली, ऑप्शन थर्ड है कटनी और ऑप्शन फोर्थ है बीना। तो सभी लोग एक बार बताएं, भैया अभिषेक बोल रहा है कि सभी लाइक कर दो पहले। हाँ भैया जी थोड़ा सा कर देना मेहरबानी, है ना, अभिषेक की बात मान लो, सभी लोग लाइक कर देना भैया क्लास को, है ना। अभिषेक भैया बोल रहे हैं कि सभी जो है साथ में, अभिषेक भैया थोड़ा सा हमें पढ़ भी लेना है, एग्जाम भी आ चुकी है आपके अभी नज़दीक सभी लोगों की, इसलिए थोड़ा सा इस पर भी आप क्लास पर भी ध्यान दें। चलिए बताइए इसका आंसर सही क्या आंसर आएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि भैया भारत का जापानी टाउनशिप। ऑप्शन फर्स्ट है पीतमपुर, ऑप्शन सेकेंड है सिंगरौली, थर्ड है कटनी और फोर्थ है यहाँ पर बिना। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है पीथमपुर, ठीक है। साथ में आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि भैया पीथमपुर किस जिले में है, तो पीथमपुर जो है धार जिले में स्थित है, याद रखिएगा धार जिले में, और इसको कहा जाता है भारत का डेट्रॉइट, याद रखिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भैया भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो जो भारत का डेट्रॉइट है वो कहा जाता है पीथमपुर को, है ना, मध्य प्रदेश का पीथमपुर जो है जिसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और ये जो डेट्रॉइट नाम की सिटी है ये USA में पड़ती है, याद रखिएगा आप, है ना, USA यानी कि अमेरिका में स्थित है ये डेट्रॉइट नाम की जो भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है हालांकि, पर एक बार देख लेते हैं, उस समय आया था ये प्रश्न, अभी हमारे काम का ये नहीं है। चलिए कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक जो है प्रस्तावित है, है ना, ऑप्शन फर्स्ट है 7, ऑप्शन सेकंड है 5, ऑप्शन थर्ड है 4 और ऑप्शन फोर्थ है 6। तो इसका जो सही जवाब उस समय का जो था वो था ऑप्शन फोर्थ यानी कि 6, पर यह अभी हमारे काम का नहीं है। योगेश संदीप जी शांति बनाए रखे, है ना,
अन्यथा हम भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। हाँ भैया, थोड़ी सी शांति बनाए रखे ना, शांति का सभी ध्यान रखे, शांति को कोई भी भंग ना करे, क्योंकि शांति का दिमाग खराब हो गया अगर तो आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सभी लोग शांति बनाए रखे और अपनी जो है पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना। यहाँ पर मैं रात की 9 बजे 9:30 बजे आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, तो टाइम पास थोड़ा सा यहाँ पर कम होगा आपको। ऑफलाइन क्लास में मैं बिल्कुल आपका इंजॉयमेंट भी कराता रहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमें पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पढ़ने के इरादे से भी आते बेचारे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भैया मध्य प्रदेश के किस जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है बघेलखंड, ऑप्शन सेकेंड है ग्वालियर, ऑप्शन थर्ड है सागर और ऑप्शन फोर्थ है रीवा। तो सभी लोग जो है इसका सही जवाब बताने की कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में बना है, लाखों बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, तो आप सभी जो है इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, योगेश ऑप्शन सेकंड बता रहा है बाबू। योगेश बाबू थोड़ा सा सही जवाब बताओ बेटा, अपन गलत ज़्यादा बता रहे हैं। दीक्षा क्लास में थोड़ा सा समय से आप आ जाया करना, अगली बार ध्यान रखना। मनीषा भी है ना, ये जो लोग है क्लास में बाद में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम से आप आ जाइए। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सागर, ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। साथ में मैं आपको पते की बात बता दूं कि ये जो नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। कई बार ये भी प्रश्न आया है कि भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कौन सा है, तो नोरादेही है। और साथ में आपको इसका क्षेत्रफल भी मैं बता देता हूँ, 1194 जो है 1194 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका जो है क्षेत्रफल है ना, 1194.672 के आसपास है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, ये जो एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। कई बार प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, नोरादेही भैया कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1194.672 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट जो कहाँ पर आयोजित की गई थी, है ना। यही आपको याद रखना है, हमेशा यहीं पर होती है अधिकतर, तो आपको ये याद रखना है कि भैया कहाँ पर हुई थी 2018 में, तो 2018 में इंदौर में हुई थी, याद रखिएगा आप, है ना। मैं बता देता हूँ आप सभी को, इंदौर में जो है आयोजित हुई थी, और आप सभी को ध्यान भी यही रखना है क्योंकि इसके बाद में ये नहीं हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में बना है प्रश्न, तो आप सभी लोग इसको भी अच्छे से ध्यान से याद रख लें, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बना है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है माहेश्वरी साड़ी, ऑप्शन सेकंड है टसर साड़ी, ऑप्शन थर्ड है बाटिक प्रिंट और ऑप्शन फोर्थ है नंदना प्रिंट। तो सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी में से इसको कई सारे विद्यार्थी जानते होंगे, तो बताइए भैया जल्दी इसका सही जवाब। एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न बना है, इस बार एमपी पटवारी में भी ये प्रश्न आया है, पर प्रश्न हर बार घुमा फिरा के आता है ना, मतलब सेम टू सेम नहीं आता है कि भैया बताओ ये फलाना कहाँ पर है कि ऐसा क्या वैसा, सेम टू सेम बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आएगा हर बार घुमा फिरा के आएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर बनाने वाले हैं वो आप सबकी जो है उम्मीदों को बिल्कुल जानते हैं, है ना, और उम्मीदों पर पानी फेरने का काम ही करते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, माहेश्वरी की साड़ी। लगभग सभी का जवाब सही आया था, एकाध का मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, माहेश्वरी की साड़ी बिल्कुल सही है भैया, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इनको संरक्षित किया गया था। साथ में आपको याद रखना है कि भैया चंदेरी की साड़ी भी बड़ी फेमस है, ठीक है। चंदेरी की साड़ी और महेश्वरी की साड़ी दोनों फेमस है, मतलब हर किसी स्त्री या महिला की जो है मतलब एक सपना रहता है इन साड़ियों को ओढ़ने का, कि भैया हमें लाइफ में कभी ना कभी तो ये लानी है ना। कई सारे लोग ले आते भी, डुप्लीकेट भी ले आते बहुत सारे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चंदेरी की जो साड़ी है अशोकनगर में, याद रखिएगा, चंदेरी जो की साड़ी है चंदेरी जगह है, अशोकनगर में फेमस है, क्लियर। चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दो सभी जल्दी से जल्दी। चलिए अगला प्रश्न है, कल भी भैया ये प्रश्न आया था, कल के ही क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी जानकर इसको पहचान जाओगे, है ना, कि भैया मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरा स्थान पर आने वाला शहर कौन सा था।
ऑप्शन फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है उज्जैन, थर्ड है ग्वालियर और ऑप्शन फोर्थ में बता दूं आपको इसका भोपाल। तो सभी लोग कमेंट करके बताओगे भैया कौन था, हालांकि ये काम का नहीं है लेकिन ये आया था कल, तो आप सभी कमेंट करके भी बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। मतलब आपको कल की चीज़ें भी याद है कि नहीं याद है ना, वो एग्ज़ाम वाला भी समझ रहा होगा कि भैया देखते हैं कल वाली भी इनको याद है कि नहीं याद है ना। जैसे योगेश जवाब दे रहा है, भैया योगेश भैया और शैलेंद्र भैया मैं पहला नहीं पूछ रहा हूँ, दूसरा पूछ रहा हूँ, कृपा करके आप क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ ले। चलिए बहुत बढ़िया है ना, इसका जो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा भोपाल है ना, भोपाल जो था 2018 में दूसरे स्थान पर था, लेकिन आप लोगों को बताना है कि भैया 2022 में पहले स्थान पर कौन था, 2022 में पहले स्थान पर कौन सा था भी लोग कमेंट करके बताइए। तब तक अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि भैया पंडित शिव कुमार शर्मा जो जी है इनका संबंध किस शास्त्रीय संगीत से, सॉरी किस शास्त्रीय वाद्य यंत्र से है ना, वाद्य यंत्र यहाँ पर पूछा है कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है आपको सभी को अगर आपने जो है भूगोल में वाद्य यंत्र और वादक नहीं पढ़े हैं या सॉरी वो विविध में आते हैं तो आप एक बार वाद्य यंत्र और वादक के नाम जरूर पढ़ ले, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ ले ये जाके लुसेंट में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है सितार, ऑप्शन सेकेंड है सरोद, ऑप्शन थर्ड है संतूर और ऑप्शन फोर्थ है वीणा। तो बताएं सभी लोग इसका क्या सही जवाब होगा। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जो साहब है इनका संबंध संतूर से है। सर प्लीज लाइव लेकर आ जाए जीके की आर्मी वालों के लिए। बेटा अभिषेक अभी जितना तेरे पास कंटेंट है ना इतना पढ़ ले है ना, या तू फिर एक काम करना एग्जाम हो गई हो तो क्लास आ जा है ना, दिन में यहाँ बैठ के बता दूंगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भैया मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है। योगेश बोल रहा है कि सर साथ में इन सबके है ना, इन सबके भी योगेश बता दूंगा मैं अगली क्लास में, कभी भी एक बार सारे लेके आ जाऊंगा है ना, जितने भी वाद्य यंत्र और उनके वादक के काम के वो मैं सभी आपके साथ आ जाऊंगा है ना, कई सारे है, एक नहीं है ना, सभी के एक एक नहीं होते कि भैया एक वाद्य यंत्र एक ही व्यक्ति बजाएगा है ना, बहुत सारे लोग फेमस है तो उनकी चर्चा हम कर लेंगे आगे। और रही बात आर्मी वालों की, तो भैया आर्मी वाले एक बार कोशिश कर लें आपकी ल्यूसेंट में जो सामान्य ज्ञान की पुस्तक है उसमें विविध वाला जो पोर्शन है, विविध वाला जो पोर्शन है ना बेटा अभिषेक और बाकी आर्मी वाले, साथ में जितने भी जो है सब्जेक्ट में जो टेबल बनी हुई है, चाहे वो इतिहास हो चाहे वो भूगोल हो है ना, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या पॉलिटी हो, जितनी भी टेबल बनी हुई है वो सब एक बार आप पढ़ के चले जाइए है ना, जीके की कोई लिमिट नहीं है ना, जीके का जो है भंडार अथाह है बेटा है ना, उसकी क्लास लाइव लाना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्योंकि समय देना पड़ता है और ऑफलाइन क्लास में आप सबको भी पता है कि भैया समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए आगे हम चर्चा करेंगे, हालांकि ये जो क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद हम लाइव क्लास बंद नहीं करेंगे ना, लगातार चलती रहेगी। क्लियर, तो विविध वाला और टेबल वाले जितने भी प्रश्न बने जिनमें टेबल बनी हुई है वो सारे एक बार पढ़ के चले जाएं। प्रश्न है कि भैया मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने दुधराज व सुल्ताना बुलबुल, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर। ऑप्शन सेकंड है महावदे जो है महादनेश ग्रेट हार्नबिल। सेकंड थर्ड ऑप्शन है गोडवान इंडियन बस्टर्ड और फोर्थ है यहाँ पर, तो सभी लोगों ने आपने कमेंट करके बता ही दिया है इसका सही जवाब होगा दूधराज है ना, या सुल्ताना या शाह बुलबुल, एशियाई जो फ्लाई पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका बिल्कुल करेक्ट है। साथ में आप सभी को बता दूं कि भैया मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, मध्य प्रदेश की मछली महाशीर है और मध्य प्रदेश का राजकीय जो है वृक्ष वो है बरगद, आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है ना, मध्य प्रदेश में कछुए की एकमात्र प्रजाति जो है पाई गई है वो कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर है ना जियोकेलोन एलिंगेस, ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर कछुंगा डोगोस, ऑप्शन थर्ड है नील सोनिया हुरुम और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर चित्रा इंडिका। तो सभी लोग एक बार बताएं कमेंट करके कि भैया मध्य प्रदेश में पाई गई एकमात्र कछुए की प्रजाति क्या है। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जियोकेलोन एलिंगेस। याद रखिए जियोकेलोन एलिंगेस जो है ये मध्य प्रदेश में पाई गई एकमात्र कछुए की प्रजाति है। दूसरी बात, एक प्रश्न आता है कई बार, एक कछुए की प्रजाति है ओलिव रिडले है ना, ओलिव रिडले करके कछुए की प्रजाति है जो कि ओडिशा के गाहिर मठ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। याद रखिए गाहिर मठ, ठीक है, ओलिव रिडले नाम की एक प्रजाति है जो मध्य प्रदेश जो ओडिशा के गाहिर मठ में जो है पाई जाती है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बना है तो आप याद रखिए है ना ओलिव रिडले, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 19वें नंबर का कि भैया निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के लिए प्रतिशत का अनुमान लगाया है ना, कौन सी ऐसी संस्थान है जिसने भारत में कृषि अपशिष्ट के लिए प्रतिशत जो है अनुमान लगाया। ऑप्शन फर्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन सेकंड है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, अगला जो ऑप्शन है हमारे सामने है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित जो है, अगला है वायदा बाजार आयोग। सभी लोग बताएं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। ये जो संस्थान है ये काम करती है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिनमें पोटाश अधिक लेकिन फॉस्फोरस कम होता है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों के तलछट से बनी है एवं जिसमें पोटास अधिक एवं फास्फोरस कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है ये, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, लेटराइट मिट्टी, अगला है काली मिट्टी, अगला है जलोढ़ मिट्टी और अगला है यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, यह जो मिट्टी है भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है ना, तो आप सभी को पता है कि भैया भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है कौन सी है। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सेकंड बता रहा है संदीप, बाकी लोग बताएं, प्रीति ऑप्शन सेकंड। भैया मैंने भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी बोला है, एमपी की नहीं बोला है कि एमपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी है इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से हुआ है, ना कि नदियों के बहाव द्वारा आई है, नदियों के बहाव द्वारा ये मिट्टी नहीं आई है, ये जो है ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। और ये वैसे भी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही जो जवाब है वो जलोढ़ मिट्टी है। मैंने आपको बताया भी था कि भैया जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदी के बहाव द्वारा हुआ है ना, और यही भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी है। तो सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़े क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए यहाँ पर जो है हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न खत्म हो चुके हैं, अब हम साइंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे और जो है अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर दे। अब मैं साइंस के क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, साइंस के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं हम।
जो लोग क्लास नहीं आ रहे हैं कृपा करके वो लोग जो है डेली क्लास आए बेटा, है ना। ये जो क्लास है आपके लिए ही चल रही है। साइंस के प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग जो है जो भी क्लास नहीं ले रहे हैं उनका नाम थोड़ा सा ध्यान अपने अंदर रिकॉल कर ले, ताकि उनको कल क्लास में मैं थोड़ा समझा सकूं कि भैया थोड़ा सा है ना एहसान कर दीजिएगा, पढ़ ले लो हम पर जो है, पढ़कर हम पर एहसान कर दो थोड़ा सा, है ना। नौकरी लेने के बाद आप सब हमें जो है सैलरी दोगे। चलो फर्स्ट प्रश्न हमारे सामने साइंस का कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है जो कम ऊर्जा की खपत करता है, मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जो प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है लेकिन जो ऊर्जा कम खपत करता है। ऑप्शन फर्स्ट है एलईडी, ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर फिलामेंट लैम्प, ऑप्शन थर्ड है सीएफएल और ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास फ्लोरोसेंट लैम्प। तो सभी लोग एक बार इसका सही जवाब कमेंट करके बताएं। आप सभी जो है इसको अपने घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एलईडी। आप सभी अगर साइंस वाले हो तो एक बार इसका पूरा नाम जरूर कमेंट करके बता, जिसका भी साइंस बैकग्राउंड है एलईडी का पूरा नाम बताए, फिर आगे मैं आपको बता। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के भी यहां पर इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भैया गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। ऑप्शन फर्स्ट है रिकवरी धीमी होती है, ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन थर्ड है गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर बीमारियां लंबे समय तक चलती है। चलिए इसका जवाब बताएं सभी लोग कमेंट करके। नगीना सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा होगा सभी को क्लियर, एक बार चेक करके बताएं सभी लोग कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड कि जो है सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब जिनको जो गंभीर बीमारियां होती है उनको सामान्य जो है वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उनको जो समस्या है बिल्कुल अचानक से जो है आती है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर दिखाई दे रहा है सभी को। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एक उभयलिंगी जो फूल में मौजूद चार भूमि निम्न है, है ना, कोई भी उभयलिंगी फ्लावर है ना उसमें मौजूद चार जो है भूमि निम्न है। ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य दल पराग या दलपुंज और अंडफ, ऑप्शन सेकंड है पंखुटी बाह्य दल अंडफ या फुंकेशर, ऑप्शन थर्ड है पुष्पकोष पुमंग जिसको एंड्री सीरोम बोला जाता है, दलपुंज और जायाम जिसको GNCM बोला जाता है, ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर बीजांड पराग पंखुटी और पुष्पकोष। ये बायो का प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे आएगा। ये प्रीति मंडोर बता रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड, बहुत ही बढ़िया है ना, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, सभी लोग याद रखें, अपने अपने मोबाइल में से HD बढ़ा ले। हाँ बहुत बढ़िया भैया, है ना, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप HD क्वालिटी में देखें, इसके बाद वैसे भी आपको जो है मोबाइल का कोई उपयोग नहीं है, अधिकांश लोग सोने के लिए जाएंगे और कुछ लोग पढ़ाई करेंगे, तो भैया आप बुक्स में से पढ़ लेना ना, मोबाइल में व्हाट्सअप नहीं करना है ना। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है ना, पुष्पकोष पुमंग एंड्रिशियम और दलपुंज है ना या फिर जायाम जिसको CNGM बोला जाता है, CNGM।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये भी बायो का ही प्रश्न है कि भैया एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना निम्न में से क्या कहलाता है, है ना। एक खेत है भैया, उसमें एक साथ एक या एक से अधिक, है ना, एक या दो से अधिक जो है फसलें उगाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है फसल का चक्रीकरण, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड है शीतकालीन फसल। ऑप्शन थर्ड है मिश्रित फसल। और ऑप्शन फोर्थ है अंतर फसल, जिसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। सभी लोग सही बताएं इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ, अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग। ये इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। एक से ज़्यादा या दो से अधिक फसलें जो एक साथ बोई जाती है तो उनको हम बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग, है ना, अंतर फसल। अगला प्रश्न देखिए सभी लोग, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया निम्न में से कौन सा द्विपार्श्व सममितीय जीव है। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रा, सेकंड है साइकॉन, थर्ड है तारामीन जिसको स्टार फिश कहा जाता है, और ऑप्शन फोर्थ है केचुआ, है ना। तो सभी लोग बताओ द्विपार्श्व सममित जीव कौन सा है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे सभी लोग, एक बार अपनी जो है कमेंट बॉक्स को जल्दी जल्दी आप कमेंट करें। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है द्विपार्श्व सममित जीव है। अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है इसी एग्जाम में तो आपका जवाब गलत नहीं जाना चाहिए। इसी इरादे से सभी लोग जो है पढ़ लिया करो, है ना, सभी लोग थोड़ा सा याद भी कर लिया करो, बाद में भी आप क्लास को रिपीट करके देख सकते हो फुल स्पीड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पानी में अंतराणुक आकर्षण बल। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर पानी में अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर है। ऑप्शन थर्ड है पदार्थ के कण लगातार गति में है। और ऑप्शन फोर्थ है कि भैया पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जल्दी जल्दी इसका सही जवाब बताने का प्रयास करें। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल है कि भैया पानी में अंतराणु जो बल है वो आकर्षण बल जो है वो कमजोर है ना, इस वजह से जो है इसके पदार्थों के कणों का गुण जो है प्रदर्शित होता है, यानी पार करने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने कि वाहन के पीछे, है ना, पश्च दृष्टि दर्पणों यानी कि रियर व्यू मिरर को निर्मित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर अभिवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब। ऑप्शन थर्ड है अभिवर्धित और सीधा प्रतिबिंब। और ऑप्शन फोर्थ है छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। सभी लोग कमेंट करके बताएं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। चलो बहुत ही बढ़िया, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब, है ना। तो वाहन के पश्च दृष्टि दर्पणों को जो निर्मित करना चाहिए छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, ये फिजिक्स का प्रश्न है। फिजिक्स में आपको इसका जो अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो जो है सर बहुत अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है समझा देंगे, जो फिजिक्स की क्लास चल रही है उसमें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है, मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रस और नाइट्रेट्स। ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर प्रोटीन। ऑप्शन थर्ड है अमीनो अम्ल। और ऑप्शन फोर्थ है न्यूक्लिक अम्ल। तो सभी लोग कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं, एक बार ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लें। चलिए
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कि गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग से रंग दिया जाता है, क्योंकि क्या कारण है? कि भैया गर्मियों के दिनों में मकान की बाहरी जो सतह होती है और ऊपरी जो सतह होती है उनको सफेद कर दिया जाता है। बहुत अच्छा लॉजिकल प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें। ऑप्शन फर्स्ट है, सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित करती है और कम ऊर्जा जो है अवशोषित करती है। ऑप्शन सेकेंड है, यहाँ पर सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तित करती है। ऑप्शन थर्ड है कि भैया यह सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला होता है। और ऑप्शन फोर्थ है कि भैया यह इमारत को बेहतर रूप देता है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सभी लोगों का इसका जवाब सही होना चाहिए कि भैया गर्मियों के दिनों में घरों की जो ऊपरी सतह है और जो दीवारें हैं वो सफ़ेद क्यों बनाई जाती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन फर्स्ट बता रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, कि भैया सफेद सतह अधिक ऊष्मा को परावर्तित करती है, मतलब ऊष्मा को जो है अपवर्तित, ये आकर्षित नहीं करती है, ये जो है ऊष्मा को क्या करती है, परावर्तित करती है, और कम ऊष्मा को जो है अवशोषित करती है, मतलब परावर्तित ज़्यादा करती है लेकिन अवशोषित कम करती है। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए हम गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े भी ज़्यादा पहनते हैं ना, कारण क्या है कि जो काले कपड़े होते हैं, काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, लेकिन सफ़ेद जो होता है वो उसका परावर्तन या जो है पराकर्षित उसको ज़्यादा करती है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न है, कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पाचन की क्रिया से पूरा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आंत्र रस, है ना, ऑप्शन सेकेंड है पित्त, ऑप्शन थर्ड है अग्नाशय रस, और ऑप्शन फोर्थ है अमाशय रस। सभी लोग इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। हाँ हाँ योगेश, काला रंग जो होता है वो ज़्यादा अवशोषित होता है, लेकिन जो सफ़ेद रंग होता है वो ज़्यादा परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट आंत्र रस। ठीक है, इंटेस्टिनल जो जूस है वो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, केमिस्ट्री का है भैया, आप सभी को बताना होगा इसका सही जवाब, कि कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं, इन लवणों की निम्न विशेषता है ना, ऐसे कौन से लवण हैं जो वातावरण में जल को अवशोषित करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सेकेंड है वाष्पीकरण, ऑप्शन थर्ड है प्रस्वेदन, है ना, और ऑप्शन थर्ड है जलयोजन। तो इसका सही जवाब बताने की कोशिश करें सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रस्वेदन, है ना, प्रस्वेदन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, कि भैया ऐसे लवण जो कि जल को अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं उनको बोला जाता है प्रस्वेदन, है ना, उस क्रिया को बोला जाता है प्रस्वेदन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भैया ऐसा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता के संदर्भ में असत्य, मतलब कोई भी एक ऑप्शन है इसमें जो कि रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में असत्य है, इसका भी जवाब आप सभी को सही देना होगा, क्योंकि मैंने आपको ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ाया है, है ना, आप सभी लोग जानते हो कि भैया ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्पादों की विशेषताओं का अभिकारक से अलग होना, ऑप्शन सेकेंड है यहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण करना, ऑप्शन थर्ड है अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, और ऑप्शन फोर्थ है परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं का ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यानपूर्वक सारे जो है ऑप्शन पढ़े और सही जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, और ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से भी समझाया है।
बहुत बढ़िया। दीक्षा ऑप्शन थर्ड बता रही है, संदीप ऑप्शन थर्ड, प्रीति मंडोर ऑप्शन थर्ड, बाकी लोग भी बताएं इसका सही जवाब क्या आएगा। सभी लोग इसका जवाब दें अवश्य रूप से। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल है कि भैया ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कभी भी ऊष्मा पैदा नहीं करती है। इसके अलावा ऑप्शन फर्स्ट जो है उत्पादों की विशेषता का अभिकारक से अलग होना, बिल्कुल भैया उत्पादक और उत्पाद और अभिकारक बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों की विशेषता अलग होगी। नए पदार्थ का निर्माण होता ही है, मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया कोई सी भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन थर्ड अभिक्रिया में ऊष्मा पैदा होना, ऊष्मा सिर्फ भौतिक अभिक्रिया में पैदा होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ऊष्मा उत्पन्न होना मतलब भौतिक अभिक्रिया वहाँ पर हो रही है ना, और परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं का ऊर्जा में परिवर्तन, बिल्कुल भैया अभिक्रिया अगर बदलेगी तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल होगा, है ना। तो ये इसका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन सर ये क्या, हाँ ये ऊष्मा ही थी बेटा, है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊष्मा पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि ऊष्मा की उपस्थिति में होता है ना। ये जो सिंबल लगाया जाता है तीर के निशान के ऊपर, उसमें जो है ऊष्मा की उपस्थिति होती है, ऊष्मा पैदा नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की जो सीमा है वो कितनी होती है। भैया एक मानव कितनी सीमा तक की जो है आवृत्ति को सहन कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर 2000 से 10,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सेकंड है 200 हर्ट्ज तक, ऑप्शन थर्ड है 20,000 हर्ट्ज तक, और ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर 20,000 से 10,000 हर्ट्ज तक। तो इसका भी सही जवाब बताओ भैया, हम सबको ये जवाब याद होना चाहिए क्योंकि बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। जल्दी जल्दी सभी लोग इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है वो हमारे लिए सहनेबल होती है, यानी कि उसको हम सहन कर सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न में से है, है ना। दो आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, उन दोनों के बीच कार्यरत बल जो है, फर्स्ट है गुरुत्वीय बल और स्थित विद्युत बल, सेकंड है यहाँ पर नाभिकीय बल और स्थित विद्युत बल, थर्ड है चुंबकीय बल और स्थित विद्युत बल, और फोर्थ है चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। सभी लोग इसका सही जवाब बताएं। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो का यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल, है ना, गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है इसको हटा दो। चलो ये वाला प्रश्न बड़ा अच्छा है, आता एग्जाम में आता रहता है कि भैया समुद्री समीर कब चलती है, ठीक है, कि भैया सी ब्रिज ओक्योर यानी कब कंडक्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है रात के दौरान, सेकेंड है दिन के दौरान, थर्ड है पूरे दिन में, या फिर जो है वैकल्पिक दिन। सभी लोग बताओ समुद्री समीर कब चालू होती है, चलती है। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहां पर ऑप्शन सेकेंड, दिन के दौरान। याद रखिए इस प्रश्न को, काफी बार ये जो है प्रश्न एग्जाम में बना है कि दिन के दौरान जो है समुद्री समीर चलती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है 17 नंबर का प्रश्न है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है। इसका जवाब भी आप सभी को देना होगा, कहीं अच्छे समझाया था मैंने आपको एक क्लास में कि सजातीय
जो मिश्रण कौन सा होता है, समांगी मिश्रण बोलते हैं इसको, दूसरा नाम समांगी मिश्रण, स्टार्च का विलयन, सेकेंड है यहाँ पर पानी में छाछ, थर्ड ऑप्शन है पानी में चीनी, और फोर्थ ऑप्शन है नाले का पानी। तो सभी लोग बताओ इसमें से सही जवाब क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बनता है कि भैया सजातीय समांगी मिश्रण कौन सा है। मैंने भी आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था। शैलेंद्र नहीं, विहू मालवी ऑप्शन थर्ड, प्रीति थर्ड, बहुत बढ़िया, दीपक चौखुटिया ऑप्शन थर्ड। सभी लोग क्लास पूरी ले, कोई भी क्लास बीच में से छोड़ के नहीं जाए। जो भी क्लास छोड़ के जाएगा उसका मुझे अंदाज़ा लग जाएगा यहाँ पर कि भैया कौन कौन क्लास छोड़ के जा रहा है। जिसकी कमेंट नहीं आ रही मतलब समझ लो कि वो क्लास छोड़ के चला गया है। बहुत बढ़िया, शुगर इन वाटर, बहुत बढ़िया। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, पानी में चीनी। पानी में चीनी को जब हम मिला देते हैं तो जो है वो यहाँ पर बिल्कुल समांगी मिश्रण, यानी कि उसका जो है कण बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते, अलग अलग नहीं होते। बाकी स्टार्च में, उसके बाद हम बात करें पानी में छाछ या नाले का पानी, ये सब के सब जो है विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये जो आपके सामने एक डायग्राम बना है, डायग्राम को एक बार ध्यानपूर्वक देख के इसका प्रश्न पढ़े यहाँ पर कि भैया दिया गया जो दूरी और समय का ग्राफ है क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है परिवर्तनीय वेग के साथ चल रहा एक निकाय, ऑप्शन सेकंड है यहाँ पर निरंतर वेग के साथ चल रहा एक निकाय, ऑप्शन थर्ड है विश्राम पर एक निकाय, और ऑप्शन फोर्थ है सीधी रेखा पथ के साथ चल रहा एक निकाय। तो इस डायग्राम को समझकर देखकर आप इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जवाब निश्चित रूप से दें। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, विश्राम पर एक निकाय। ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, भैया बता रहा है कि विश्राम की स्थिति है जिसमें डिस्टेंस और टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको कभी भी क्लास में समझा दूंगा कि भैया किस तरीके के स्ट्रक्चर के